ना साग तोड़ की नहीं हुआ अभी तक, साग तोड़ के चलो ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन साग देख रहे ना तो मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा तो एक एक ही दिन तोड़ लेगी, इतना तो कौन खाएगा, चलो जल्दी भाग के चलो, बारिश आ जाएगी तो फिर काम होगा नहीं। मेरे मेरे कमर का बेल बज जाए जब इसकी इस हाथों से बनाएगी साग भात, तो आज मजा आ जाएगा खाने में, चाहे जे भी आ जाए उसको भी शर्म लग रही है, जब तक कबूतर में वीडियो में नहीं खाते। हेलो दोस्तों, स्वागत है माला शशि ब्लॉग यूट्यूब चैनल में गाइज। और जैसा कि कल हमने आपको एक वीडियो दिया था, उस वीडियो में हमने बताया था कि काम करते करते आगे जो भी हमारा रूटीन है डेली लाइफ का, हमारा लव मैरिज का, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उसी को भी उसी वीडियो को लेकर के आ गया हूँ। अभी जो फिलहाल यहाँ पे माला देख पा रहे हैं, मॉर्निंग के समय कप में भर के चाय पी रही है। हम तो चाय नहीं पी रहे, हमको दूध पिलाएगी तो हमको दूध पिलाएगी तो हम दूध पी लेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, दूध पिलाओ हमको दोनों दूध पीने के लिए, थोड़ा सा थोड़ा हम कर दो, पिला देगी तो क्या हो जाएगा यार, पिला दो पिला दो ना, हमने मार्केट जा रहे हैं, दूध पिला दो, अच्छा रहेगा, सगुन बना रहेगा, दे दो। नहीं नहीं, कहीं जाने जाने टाइम ना दूध नहीं पी के जाते, दूध में थोड़ा सा फिर दूध पी के जाता तो क्या हो जाता है, सगुन दूध जब पी के जाएगा तो दिमाग में बात घूमता रहेगा। जाते समय कौन वाला दूध नहीं पी के जाना चाहिए, नहीं जाते, दही खाइए, दूध मत खाइए, अभी दही थोड़ी है जो दही खाएंगे, दूध है तो सामने में दूध ही पियेंगे ना, दे दो दूध पीने के लिए, दे दो पिला दो बाबा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध पूरा भर के रखी हुई है, इनसे दूध मांग रहे तो नहीं दे रहे, बोले जाते समय दूध नहीं पीना चाहिए। तो इसका एक तजुर्बा रहता है कि सच में जाते समय कहीं पे दूध नहीं पीना चाहिए, वो अशुभ होता है। अगर दूध आपको पीना भी है कहीं पे जाते समय, तो जिस ग्लास में आप दूध डालते हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी मिला दीजिए, उसको पिला करके कलर चेंज करके पीजिए, तो फिर जो उसका ये रहता है ना, उसका निगेटिव एनर्जी रहता है वो माइनस हो जाता है, ऐसा माना गया है। तो अभी यहाँ पर माला पूरा काम झाम लेके बैठी हुई, यहाँ पर आज हमारे बारे में देखिए मिर्ची का सब्जी बनाई, इसका सब्जी बनने वाला है जी। वो बारिश के वजह से ना पूरा लाल होके ना पक गया था, तो इसको हमने तोड़े, बारिश में ही तोड़ रहे थे, तो आके हमको गुस्सा कर रहे अभी गाइस धूप है नहीं और ये मिर्ची तोड़ ली है, तो ये सूखेगा कैसे, ये तो सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो इसमें से कुछ मिर्ची खाया जाएगा और कुछ कुछ सुखाया जाएगा, जो लाल मिर्ची है। यहाँ पे बन रहा है अभी मूंग का दाल, पानी लगता है कम हो गया दाल मेरे, ऐसे ही खाते हैं पापा, हम लोग साग खाने वाले हैं, तो आज जो है हम लोग खाने वाले हैं इसका साग, और कल पोरो का साग तोड़ा हुआ है, तो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। हाँ। जो किस तरीके से हमने ये सारा कुछ किया है अपने लव मैरिज लाइफ में, गांव के विलेज में। तो हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट क्यों जा रहे बताओ तो फ्रेंड को, बताओ ना, दूध तो पिलाए नहीं तो बता दो कम से कम, बताओ नहीं है, सरसों का तेल नहीं है, और क्या कुछ लाके, तो हमारे घर का जो राशन है थोड़ा सा खत्म हो गया, तो हम जा रहे हैं राशन लाने के लिए। तो प्लीज आगे आप देखिए कि हमने कल अधूरा में कौन कौन सा वीडियो, मतलब बनाते बनाते जो दो पार्ट किया है वीडियो को, आगे आप लोग देखिए वीडियो में। उम्मीद है कि हमारा लव मैरिज लाइफ का जो विलेज का ब्लॉग है आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दे। तो चलिए आगे फ्रेंड्स, देखिए अधूरा वीडियो को पूरा पूरा देखिए पूरा, लेकिन ये हमको दूध नहीं पिलाएगी जो कुछ भी हो जाए, चलो ना यार इसी कप में तो दे दो ना, नहीं हम आप जाने वाले वहां जाने दे। तो चलिए दोस्तों, आज हमको लगता है हमारे नसीब में दूध नहीं है, रात को खाना खाते हैं, खाने समय खाएंगे आम और दूध मजा से, आप लोग वीडियो में एंजॉय कीजिए। देखिए कुछ ऐसा, ये हमने बालू स्टॉक किया हुआ है, ये इसको बोला जाता है लाल वाला बालू, ये जो हमारा घर में ढलाई करना है ना, इसकी वजह से ये बालू हमने स्टॉक किया हुआ है, तो उसी के ऊपर हमने पोरो साग लगा दिया। तो देख पा रहे कितना फैला हुआ है और पत्ता कितना नाजुक नाजुक है, बहुत अच्छा लगता है ये साग खाने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस साग को आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो पोरो साग बोलते हैं, बट आप लोग कौन सा साग बोलते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका तो हम लोग को पता भी नहीं इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, और इसका तो पकौड़ी भी बहुत अच्छा लगता है, तो कभी पकौड़ी बनाएंगे तो आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। और मैं आपको मेन कैमरा से दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कितना एकदम लहलहा रहा है अभी इस बालू के ऊपर में। तो यहाँ पे देखिये फ्रेंड्स, माला जैसे की साग तोड़े और इसका पत्ता देखिये कितना बड़ा बड़ा होता है। तो अब आप गौर से देख पा रहे तो कॉमेंट करके बताइएगा की इसको आप कौन सा साग बोलते हैं, कौन सी क्या नाम से इसे जानते हैं। बंगाल वगैरह में भी बहुत अच्छे ये होता है और खाते भी, पूरा इसके ऊपर फैल गया जितना भी हमने ये बालू यहाँ पे गिराया हुआ है ना, सोनपुरी बालू इसे बोला जाता है, उसी के ऊपर फैल चुका है, और बारिश में ये बाहर ना जाए इसलिए हम लोग ने इसे ढक दिया है। साग तोड़ते तोड़ते कितना बड़ा आम माला को मिल गया, आधा किलो का आम है और ये पूरा पका हुआ है, दिखाओ तो दबा के दबता है क्या, पेड़ का ये पूरा पका हुआ आम है।
यहाँ पे जो हमारा आम का पेड़ है ना, इसी में से गिरा हुआ है, उसी का आम यहाँ पे छत्ता पे भी देख पा रहे हैं, गिर जाता है, नहीं देख पाते हैं, तो कौवा सब जो है ना, कौवा उसके बाद उसको क्या बोलते हैं जी, गिलहरी, ये सब गिलहरी चिड़िया सब खाते रहती है, सब चिड़िया है हमारे घर में, हमारे आस पास। और यहाँ पे हमारा टमाटर का देखिए, लेकिन टमाटर हम लोग अभी नहीं खा रहे हैं। टमाटर अभी कितना ट्रेंडिंग में है, टमाटर का वीडियो। हाँ क्या? हाँ, टमाटर संदूक में बंद कर कर के लोग खा रहे। इतना महंगा हो गया टमाटर का जो है, मतलब बरसात का समय है इसलिए ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे तो नॉनवेज ज्यादा खाते नहीं ना, इस वजह से भी नॉनवेज में ज्यादा टमाटर। हाँ, नॉनवेज करते तो करते है ना, पापा को सब्जी में टमाटर नहीं देते ना, तो इसलिए टमाटर यूज नहीं कर रहे हम लोग। साग देख रहे ना तो मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा तो एक एक ही दिन थोड़ लेगी, इतना तो कौन खाएगा। इतना ही तोड़ो कि खत्म हो जाए ना, बना के फिर फेंकने से अच्छा है कि रहने दो इसमें लगा हुआ, पेड़ में लगा हुआ। चलो चलो हो गया, रहने तो हो जाएगा सर, उतना से एक बकेट तो हो चुका, तो कितना साग तोड़ती है। तो ये देखिए फ्रेंड, छोटा वाला बकेट से एक बकेट साग हो गया है, इसी साग से हम लोग को हो जाएगा। पापा तो साग खाते नहीं है और मैं माला सिर्फ साग खाता हूँ, तो बहुत है इतना साग। अगर मार्केट में खरीदने जाते तो 50 रुपया से कम नहीं लगता। लाइट है क्या? लेकिन है लाइट है। हाय जी, हाय जी, धोल अच्छा से फ्रेश हो जाओ। और फ्रेंड्स, बारिश की वजह से जो है ना, हमारा जो ये पार्ट बना हुआ है चापाकल का, इसमें पूरे तरीके से वो जंगड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वो पकड़ लेता है। देखिए, तो इसको साफ करना मतलब 2-3 दिन में जरूरी हो जाता है ना, तो इसके ऊपर पैर बहुत स्लिप होता है और ये काला काला ऐसा होता है कुछ, इसके ऊपर इतना ही पैर स्लिप होता है, नहीं क्या ही बोले आपको। तो इसलिए इसे माला यहाँ पर मोटर चला के इसे साफ कर रही है, ताकि बच्चे लोग जो इसके ऊपर स्लिप ना हो, और बच्चे का बड़े भी कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, पैर बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से स्लिप मारता है, देखिए है क्या, देखिए कितना स्लिप मार रहा है पैर। अच्छा से साफ कर दो, अच्छा से झाड़ू मार मार के। और आंधी में देख पा रहे गाइस, यहाँ पे मोटर जो था पहले, यहाँ पे चीकू का इसका लताम, उसको क्या बोलते हैं, अमरूद का पेड़ था, तो उसको हमने काट दिया है। और यहाँ पे देखिए ये मोटा वाला पेड़ था, उसको यहाँ पे काट के लगा दिया है, ताकि मोटर को थोड़ा सपोर्ट मिल पाए। और यहाँ पे कुछ अलग अलग ही नजारा था, और इसी बीच लाइट भी चले गया, तो अब इसको फिर से हम पैर को हटाने के बाद, आंधी में जो यहाँ पे गिर गया था, तो फिर से हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो कुछ ऐसा है। और ये देखिए यहाँ पे हमने MCB लगाया हुआ है मोटर चालू करने के लिए, ताकि बारिश का पानी इसमें ना जाए, और उसके वजह से ना हमारा ये जो कल का चापाकल का जो है ना पाइप भी टूट गया था। और ये देखिए आंधी में जो पैर गिरा था, इसके ऊपर ये हमारा चापाकल का यहाँ पे पाइप भी लीकेज हो चुका है, तो उसको हमने जुगाड़ करके अभी काम कर रहे हैं। क्या आवाज, मच्छर काट लिया? मच्छर काटते हैं तो चिल्लाने में कितना अच्छा लगता है। आया आया आया, देखो चिल्लाया तो लाइट भी आ गई। मेरा काम ज्यादा ही हो गया था। फिर हम तुमको बोल रहे थे इसे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा मत तोड़ो। तुम बोल रहे कि साग देख रहे तो छोड़ने का मन नहीं हो रहा, लेकिन कितना बनाएगी, जितना बनाओ खत्म हो जाए। दो ही जने तो खाएंगे, गिट्टी तो खाते नहीं। वैसे तो साफ है ही, क्योंकि रात में बहुत जोरों की बारिश आई थी, इस वजह से साग में देखो तो अभी जो पैर में लगा हुआ है साग, देखिए कहीं पे लत्ती में, कहीं पे गंदगी है कैसे। तो फ्रेंड्स, जो साग अभी माला ने तोला था, जैसा कि आपको हमने दिखाया था वीडियो में, तो देखिए हाँ। हो चुका है वाशिंग। अब हम लोग जा रहे हैं बाड़ी में, वहाँ पे चलिए कौन सा काम करने जा रहे हैं आपको दिखाता हूँ। चलो जल्दी भाग के चलो, बारिश आ जाएगी तो फिर काम होगा नहीं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको झींगा बताया था, देखिए इसमें फल लग चुका है, कितना प्यारा प्यारा सा फल है। जब इसकी फ्राई बनाती है मेरी भी, तो बहुत मस्त लगता है खाने में। तो जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, बाड़ी में आ चुके हम लोग अब यहाँ पे। हाँ, जो साग तोड़ा उसमें तो बिना मिर्ची का वो मजा आता ही नहीं खाने में साग। तो हमारे बाड़ी में मिर्ची भी अभी बुढ़ा हो चुका है, क्योंकि बारिश ने इतना परेशान किया है, इस वजह से मिर्ची का मतलब पेड़ देख पा रहे हैं आपको, जवान से बुढ़ा की तरफ होने लगा है, दिखने लगा। और यहाँ पे माला देखिए प्यारी प्यारी हाथों से मिर्ची तोड़ रही है। इस हाथों से बनाएगी साग भात तो आज मजा आ जाएगा खाने में बारिश के समय। देखिए फिर भी इसमें फल बहुत है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फल की कमी नहीं, और मिर्ची अभी लाल भी होने लगा है, पकने भी लगा है। इसको सुखा सुखा के रखते हैं, लेकिन बारिश तो सूखने भी नहीं दे रही। धूप भी नहीं हो रही तो फिर कहाँ से सुखाएंगे।
तो फ्रेंड्स वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है आज हाँ। के वीडियो को हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे एंड करें, तो और आगे का वीडियो जो भी हम सावर वगैरह लेंगे वो उसका वीडियो जो है ना हमारे माला की दुनिया पे है रहेगा, क्योंकि वीडियो जो है मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कंटिन्यू काम करें, क्योंकि यहाँ पे आए तो हम लोग का जिंदगी में इतना उथल पुथल हो गया है कि किधर से शुरू करें और किधर से खत्म करें समाप्ति नहीं होता है। अरे मक्त हाँ चालू है, चालू, चालू है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करने का दीजिए इजाजत, हमारा जो लव मैरिज कपिल का विलेज का सुबह सुबह का जो भी हमारा हाँ। मस्ती भरा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा, जरूर बताए और... माला की दुनिया पे भी जरूर जाए, वहाँ पे मैं आगे वीडियो शूट करूंगी। तो मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।